ये लास्ट क्वेश्चन ही है जो मैं सॉल्व कर रहा था, अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू ही कंटिन्यू है हमारा, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अब मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ क्यू टू पे, क्यू थ्री की वजह से जो लग रही है। सो क्यू टू मुझे पता है, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, क्यू थ्री की वैल्यू मौजूद है, और आर अगेन डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, कूलम्स लॉ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। एफ टू कॉमा थ्री लिखने का मतलब ये फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू बाय चार्ज क्यू थ्री, यानी कि सेकेंड चार्ज पे थर्ड चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। सो अगेन पुटिंग द वैल्यूज आई विल गेट दिस आंसर। अब मेरे पास पुरानी वाली वीडियो अगर आप देखें, सो क्यू टू मौजूद है और राइट साइड पे उसके क्यू थ्री मौजूद है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्यू टू पॉजिटिव क्यू थ्री इज नेगेटिव, सो दे आर अपोजिट चार्जेस। मुझे जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि क्यू टू के ऊपर जो फोर्स लग रही है क्यू थ्री की वजह से वो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, सो क्यू थ्री विल अट्रैक्ट क्यू टू, जो थर्ड चार्ज है राइट हैंड साइड पे वो सेकंड चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो क्यू टू किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, फोर्स की डायरेक्शन अगेन क्या हो गई, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो बोथ द फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में एफ टू कॉमन वन कैलकुलेट किया था वो भी क्या था, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, बट इट इज ड्यू टू रिपल्जन, एंड इन दिस वीडियो टू कॉमा थ्री इज ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, पिछले वाले उसमें अपोजिट सेम चार्जेस थे तो रिपेल कर रहे थे, यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट फोर्स की डायरेक्शन पिछले वाले केस में भी और इस केस में भी सेम डायरेक्शन है, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड है, सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, दोनों का सम, जब मैं दोनों को सम करूंगा सो 2700 न्यूटन आंसर आ जाएगा, और जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Q1 भी फोर्स लगा रहा होगा टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, Q3 खुद भी फोर्स लगा रहा है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो Q2 विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स Q3, एंड Q3 इज अ नेगेटिव साइन, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज विच इज Q3। मेरे पास कुछ डेफिनेशन हैं, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बता दूं कि कोई भी चार्ज है उसके अराउंड जो स्पेस है जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, के एक चार्ज है उसके अराउंड कुछ स्पेस है जहाँ पे वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे उसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम। अगर मैं यहाँ से यूनिट की बात करूँ तो एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, क्यू नॉट चार्ज है उसका यूनिट क्या है, कूलम्ब, सो ई का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम्ब। एक चीज और मैंने बात की थी शुरू में पॉइंट चार्ज की, अब मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट चार्ज की, और इसका सिंबल हमेशा क्या होगा, क्यू नॉट। ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, ये इतना स्मॉल चार्ज है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे सो हम हमेशा एक टेस्ट चार्ज की बात जरूर करेंगे। इस चार्ज की जो फील्ड है वो इतनी स्मॉल है कि ये दूसरे चार्जेस की फील्ड को फील तो कर सकता है बट उन दूसरे चार्जेस की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अ वेरी स्मॉल चार्ज व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन एग्जिस्ट फील्ड डज नॉट चेंज, सच चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है हमेशा क्यू नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्मॉल है कि ये दूसरे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को फील तो कर सकता है बट उन दूसरे चार्जेस की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक बड़ा चार्ज है प्लस क्यू और एक छोटा चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। Q is very big and Q naught is very small. So मैं Q जो point charge है उसकी electric field calculate करने में interested हूँ, ठीक है। Q naught की field मुझे calculate नहीं करनी, ये बहुत small है, इसकी field भी बहुत weak है और इसका कोई effect नहीं है। But जब मैं Q charge जो कि बड़ा charge है उसकी electric field में Q naught को लेकर आऊँगा तो मैं कुछ चीज़ें calculate कर सकता हूँ due to charge Q। मेरे पास दो चार्जेस हो गए तो मैं कूलम्स लॉ को यूज करते हुए फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं और लेट सपोज स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन मैं पहले लिख चुका हूं, ये मुझे फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये मैंने डेफिनेशन जब डिफाइन की थी तो वहां पे लिखा था एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ के क्यू के
क्यू वन की जगह क्यू लिख दिया, क्यू टू की जगह क्यू नॉट लिख दिया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दिस क्यू नॉट। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, वन अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, सो अगेन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एंड आर इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल सकता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई न्यूमेरिकल हमारी बुक में नहीं है, सो मैं एक न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 4 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है प्लस 4 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, सो चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब है एक्सपोनेंट माइनस 6, और डिस्टेंस को मैंने आर कहा हुआ है 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 100, 0.02। फॉर्मूला मौजूद है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप वैल्यूज को पुट कर दें, सो आपके पास ये आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल के लिए। एक और डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कि मुझे कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ रहा है टू डिस्प्लेस अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और चार्ज कितना है क्यू नॉट। सो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई डॉट डेल्टा आर। दिस इज बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस डेल्टा आर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सबको याद होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। उसके बाद एक और चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, के सेम वही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कि कितना मैं वर्क डन परफॉर्म कर रहा हूँ एक सिंगल चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ज़रूरी नहीं था कि मैं एक सिंगल चार्ज की बात करूँ, ठीक, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ज़रूरी है कि मैं कितना वर्क डन परफॉर्म कर रहा हूँ एक सिंगल टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, सेम उसी तरीके से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। सो ये डेफिनेशन आप मैथमेटिकली अगर समझें तो ज़्यादा आसान है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है एक सिंगल क्यू नॉट चार्ज के लिए। डेल्टा यू की वैल्यू मौजूद थी, क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर वो मैंने लिख दी, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। सो ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई, कि डेल्टा वी इक्वल्स ई मल्टीप्लाइड बाय ई डॉट डेल्टा आर। सो वोल्टेज जो है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर का। यहाँ से अगर मैं यूनिट की भी बात करूँ तो मेरे पास यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू का यूनिट क्या है, जूल। क्यू नॉट चार्ज है, यूनिट क्या है, कूलम्ब। सो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब इस फॉर्मूले के मुताबिक। और इसी जूल पर कूलम्ब को मैं क्या कह देता हूँ, वोल्ट। ये जूल पर कूलम्ब मेरे पास किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रोटॉन है मेरे पास और प्रोटॉन का जो मास है वो मुझे पता है कितना है, 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 कूलम्ब, और उसका चार्ज भी मुझे गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्ब। ये जो प्रोटॉन है जिसका मास और चार्ज मुझे पता है, इस टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। डेल्टा आर मैंने कह दिया डिस्टेंस को कितना है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और ये प्रोटॉन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके दरमियान मोशनलेस है, यानी कि रेस्ट की कंडीशन में मुझे गिवन है कि रुका हुआ है। मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। अब जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन है तो इसके पास चार्ज भी है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की वजह से रुका हुआ है, और मास है तो इसके ऊपर इसके पास वेट भी है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जो प्लेट्स हैं जिनका डिस्टेंस, जिनके दरमियान का डिस्टेंस मुझे गिवन है, उन प्लेट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई किया हुआ है, विच इज डेल्टा वी, वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक,